चिल्वाताल थाना क्षेत्र के भगवानपुर टोला के लीलहवा निवासी एक व्यक्ति फर्टिलाइजर रोड स्थित लेबर्स कॉलोनी के सामने खाली पड़े जमीन में छप्पर डालकर चाय व गुटखा व सब्जी की दुकान खोल रखा है। उस दुकान को उसकी पत्नी बड़ी बेटी 18 वर्षीय व छोटी बेटी 10 वर्षीय चलाती है। 17 जून की देर रात पादरी बाजार हनुमंत नगर कॉलोनी निवासी रवि प्रकाश राय पुत्र योगेंद्र राय ने 10 वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर खंडहर के पास ले जाकर दुष्कर्म किया। लड़की के शोर मचाने पर अगल बगल के लोगों ने आरोपित को पकड़कर जमकर मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में चिल्वाताल पुलिस ने पिता की तहरीर पर धारा 376 3/4 पास्को एक्ट व 3(2)(SC/ST के तहत मुकदमा कायम कर जांच पड़ताल कर रही है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए आरोपी योगेंद्र राय और SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। पिता का योगेंद्र आप पिता क्या करते हैं? सब इंस्पेक्टर हैं। क्या नाम है? योगेंद्र राय। घर कहाँ है आपका? धना पटेरवा थाना। यहाँ गोरखपुर में पादरी रहते हैं। कितने दिनों से? 2011 से। और ये जो गाड़ी आप चला रहे हैं पटेरवा में, आपकी निजी गाड़ी है? जी जी। कब से खरीदे हैं ये? 2009 मॉडल। 2009 में खरीदे थे। और यहाँ कितने दिन चला रहे गाड़ी? ज्यादा दिन। कितना ज्यादा दिन? 9 से ही चला। अरे आप फर्टिलाइजर 3 महीने से। 3 महीने में किसके माध्यम से आप यहाँ लगाए गाड़ी? बैचिंग प्लांट में लगाए थे। चाय वाली दुकान पे तो रोजे जाते हैं ना? चाय वाली में जी, जो सामने चाय वाली दुकान है, कभी काल पीते हैं। अच्छा, कुछ दिन गार्ड का भी काम किए हैं आप यहाँ पे ना? कितना दिन? 20-25 दिन। कहाँ पर? वही पे लेबर चाय दुकान के सामने जो जहाँ गार्ड रहता है, तो वहाँ कौन लगवाया था? वहाँ एक ठेकेदार है, वही उनसे बात की। कौन ठेकेदार है? वही गार्ड वाला। कौन, नाम क्या ठेकेदार? कोई सुन है नाम? रात्रि में 11 बजे के आसपास पुलिस को डायरेक्ट रूट से सूचना मिली चिल्वाताल थाने में एक बालिका के साथ गलत काम होने की, जिस पर तुरंत पुलिस पहुंची और उसमें गांव वालों ने पहले से ही उस आरोपी को पकड़ करके पीट के रख दिया था। उसको तुरंत ही पुलिस ने मौके पर पहुंच के छुड़ाया और उसको हिरासत में लिया गया। साथ ही बालिका को मेडिकल रिफर किया गया। कोई उसमें बालिका खतरे से बाहर है और मुंजिम के खिलाफ तक उसके पिता की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है और उसके खिलाफ कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है और FSL एविडेंस वगैरह लेकर के इसको हम जल्द से जल्द चार्जशीट करके मुंजिम को सजा देंगे।